कम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा IXIGO में ऐप में आप कैसे IRCTC अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ये मस्ट है, ये होना जरूर है। अगर आप IRCTC अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं तो आप ट्रेन का टिकट बुक नहीं कर सकते। आप ये सिंपल IXIGO अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे, नंबर मेंशन कर लेना है आपको और अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप इस तरीके से लॉगिन होंगे, जैसे मैं हो गया हूँ लॉगिन। इस तरीके से लॉगिन होने के बाद आपको, तो मैं आपको पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये IRCTC अकाउंट अगर आप क्रिएट नहीं करते हैं तो आप ट्रेन का टिकट बुक नहीं कर सकते। तो ये IRCTC अकाउंट क्रिएट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये क्रिएट कैसे करना है, ID पासवर्ड होने ज़रूरी होते हैं हमें। तो इसके लिए जब तक हम ID और पासवर्ड हम ट्रेन जब टिकट बुक करेंगे और मेंशन नहीं करते हैं तो हमारा जो ट्रेन टिकट है वो बुक नहीं होगा। तो कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे हम IRCTC का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें प्रोफाइल में क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी। तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक योर IRCTC अकाउंट। तो आपको इस पर टैप कर देना है। इस तरीके से टैप करने के बाद आपको एक थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर ऑन IRCTC न्यू यूजर ऑन IRCTC। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यूजर ID का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको कैसे यूजर ID कैसे या नेम कैसे मेंशन करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ को क्या करना, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया आकिल और 1 2 3 5 6 7 7। तो इस तरीके से देन इसके बाद आपको ईमेल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है अवेलेबल। तो ऐसा जो मेरा नेम था वो मेरा अवेलेबल हो चुका है। अगर आपका नेम अगर आप इस तरीके से डालते हैं तो वो रेड में आ जाएगा। तो आप ये समझे कि आपका नेम जो अवेलेबल नहीं है। तो आपको दोबारा से अच्छी तरीके से रखना है। तो यहाँ ईमेल, आपको ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको अपनी एक ईमेल ID मेंशन कर लेनी है और मोबाइल नंबर और सिलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ आपको जो भी आपको बेस्ट लगे आप यहाँ इस तरीके से, यहाँ व्हाट इज योर पुट नेम इस तरीके से रख सकते हैं, पेट नेम, और एंटर योर सिक्योरिटी आंसर इंग्लिश, यहाँ लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको देखना है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ आपको यहाँ फर्स्ट नेम मेंशन कर लेना है, जो आप यूजर नेम रखना चाहते हैं, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो यहाँ मैं रख लेता हूँ इस तरीके से रख लेना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ मेल फीमेल जो भी आप हैं, वो आप मैरिड हैं अनमैरिड, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर, देन इसके बाद आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक कर दिया इस तरीके। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको पिन कोड मेंशन कर लेना, जो भी आपका पिन कोड। देन इसके बाद आपको एड्रेस, स्टेट, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। देन इसके बाद यहाँ आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके एरिया में नियर है पोस्ट, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके के। इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। इसके बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा जो कॉन्ग्रेचुलेसन योर IRCTC अकाउंट हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली। तो यहां मुझे एक यहां एक ओटीपी रिसीव ऑन मेल, आपकी मेल ID पे एक ओटीपी रिसीव होएगा। देन इसके बाद आपके एक मोबाइल नंबर पे, जो आपका मोबाइल नंबर आपने मेंशन करा है, वो आपको ओटीपी रिसीव मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो आपको यहाँ दोनों ओटीपी मेंशन कर लेना है इस तरीके से। मेंशन कर लेता हूँ इस तरीके। मेंशन करने के बाद आपको वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ आप देख रहे हैं योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई सक्सेसफुली, नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द बुकिंग। तो इस तरीके आप कंटिन्यू कर देना, जो हमारे जो IRCTC ID है वो क्रिएट हो चुकी है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद हमें यहाँ, आप यहाँ देख सकते हैं आपके नंबर पर वो पहले ही आ जाता है, 5-10, 5-2-3 मिनट पहले मैसेज भी आया होगा आपके पास, जो आपकी जो ID है IRCTC ID आपको इस तरीके से देखने को मिले, जो मेरी आपको देखने को मिली, और पासवर्ड। तो गाइज मैं आपको पासवर्ड शो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप IRCTC अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।